साहब क्या लुकिंग लग रही है, देख रहे हो? ले मेरी ये मेरा आ गया क्या? मेरा आ गया तो आ रहा है पूरा। तो देख लो भाई ये वाला कवर फाइनल कर रहा है एंड क्या कह रहा है, लेके निकल जाऊं? तो इसे ले जा, ले जा इसे, है चला जा इसके साथ, बाय बाय। भैया 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 हमें भी देख लो नेक थोड़ा सा। अरे नहीं भाई लहरें क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो भाई? मैं भी मस्त हो गया और टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है भाई, शाम के 5:05। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए व्लॉग में अपनी जिंदगी के। चलो आज आपकी अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा सा नज़ारा दिखाने चलते हैं, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं एक और न्यू बाइक अपने लिए। वाह, यानी कि हमारे फैमिली में एक और न्यू बाइक जुड़ने वाली है। फटाफट से आज हम उसको देखने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं रेडी शेडी बैठा हूँ, मेरा हेलमेट इधर रेडी है बिल्कुल, ठीक है। गोप्रो मेरे पास है फ़िलहाल में, तो गोप्रो से मैं शूट कर रहा हूँ। एंड भाई सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है, दो बंदे और आ रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम सीधा शोरूम एंड बाइक को देखेंगे। बाइक हमें जो पसंद आएगी, हो सकता है कि आज हम फाइनली अपनी बुकिंग अमाउंट भी दे दें अगर हमारी सारी चीज़ अच्छी तरीके से रही या हमारी समझ में आ गई। मान लो यही बाइक जो हमने सोची है यही हमारी समझ में आ गई, तो आज ही हम बुकिंग अमाउंट दे के फाइनल कर देंगे एंड 2-3 तारीख में डिलीवरी भी हो जाएगी और उसके बाद आएगी एक बेहतरीन सी राइड बाइक लेते के साथ। चलो वेट करते हैं और चलते हैं फिर घर से निकल के। लो जी फाइनली अपने निकलने का टाइम हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5:44 हो चुके हैं। अभी हमें नहीं पता कि हमें शोरूम अब ओपन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। और यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हप, तो चलो निकलने की तैयारी करते हैं। एंड अरुण और हमारा एक और दोस्त वहाँ पे पहुँचने वाला है, तो देख रहे हो इसे नन्नी जी को यहाँ पे एक्सीलेटर पर हाथ लेकर जा रही है। देखो उसे कह रही है तू आ जाओगे देख लो, और देखो ये टंकी भाई अभी चुपटा पड़ा है इधर। हाँ बाय 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 बाय। नाम आना तू देख रहे हो बच्चों, बाय। इसके चेहरे पे देख रहे हो हंसी देखना। नहीं चलो निकलते हैं और करते हैं बाय वेट अपने दोस्त के आने का और शोरूम पे चलते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट। ये लो जी फाइनली निकल गए, अब फटाफट से यहाँ से शोरूम पहुँचते हैं और शोरूम पहुँच के और डायरेक्ट चलकर मिलते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि भाई हमारे दोस्त हमसे थोड़ी देर बाद में आएंगे। लेकिन देखते हैं भाई शोरूम उस टाइम तक खुला रहेगा या क्या रहेगा, अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 बजे शायद शोरूम बंद ना हो जाए ये सोच रहा हूँ मैं। पर इतनी तगड़ी धूप है, गर्मी हो रही है, अभी कोई जाएगा तो है नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सी बाइक देख रहे हैं। वैसे आपको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि हम कौन सी बाइक लेने वाले हैं, अगर उसके अलावा कुछ सी और पे जाएंगे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी हमारा डिसाइड वही है। तो फाइनली रोड पे आ चुके हैं, ये देखो भाई सब जरा सा थोड़ा डल दो, बाइक ना मज़ा दे देती है। तो रोड पर आ चुके हैं और फिलहाल में जा रहे हैं हम शोरूम यामा के,
जो कि बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो थोड़ी देर में ही हम पहुँच जाएंगे यामा के शोरूम और वेट करेंगे अपने भाइयों के आने का, क्योंकि जब हमारे भाई आ जाएंगे फिर हम साथ में चलेंगे एंड अपनी बाइक को देखेंगे कि हमें कौन सी बाइक कैसे देखनी है, क्योंकि हमें दो बाइक है वैसे सजेशन में अभी उसी शोरूम से, कौन सी भी बेस्ट लगेगी, कौन सी भी समझ में आएगी वो देख लेंगे फिलहाल में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यामा के शोरूम, देख लो ये आ गया यामा का शोरूम, और अब हम जाएंगे अपनी बाइक खड़ी करके सीधे अंदर शोरूम में। देख रहे हो शोरूम पहुंच चुके हैं, और फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं हमें कौन सी बाइक देखनी है, दो बाइकों में से कौन सी लेनी है और कौन सी देखनी है। फिलहाल में हमारी लक्ष्मी खड़ी है यहाँ पे, देख रहे हो क्या गजब लग रही है। और अभी बस 10 मिनट में मेरे दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों के साथ ही चलेंगे अंदर। फिर भाई जो मेरे दोस्त हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अभी तो पता नहीं है कि हैं कहाँ, और मैं खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ फिलहाल में, और टाइम हो चुका है 6:07 बस, जब से मिनट पहुँचने वाले हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि कितनी देर में पहुँचेंगे। फोन हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ मैं ही जाकर लेकर और चला जाऊँ, छोड़ दूँ आज अपने दोस्तों को, आज ही डिलीवरी ले लूँ साथ के साथ, पता नहीं कैसे करेंगे यार, परेशान कर दिया यार। चलो वेट कर लेते हैं, जैसे ही आते हैं उसके बाद तुरंत चलते हैं शोरूम के अंदर, आप सबको भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कौन सी फाइनल हो रही है आज भाई, जहाँ तक आज फाइनल ही होने वाली है, तो सारी बातें हो चुकी हैं मेरी मेरी दोस्तों से भी, और मेरे तो मन में जो है ही, ठीक है देखते हैं क्या होता है। फाइनली दोस्तों ये तो पहुंच चुके हैं, देख लो यहाँ पर हैं, अब जा रहे हैं अंदर, बहुत देर हो गई है, अरे बहुत देर हो गई है, ज़्यादा देर ना करते हो, अंदर चले चलो, हाँ फटाफट आ जाओ, चलो भाई अंदर चलते हैं फटाफट से, और देखते हैं अपनी बाइक। यहाँ पे जो हम बाइक कलेक्शन देखना है आपको, मैं बाइक दिखा देता हूँ, सबसे पहले एक जानदार बाइक दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई R3, ओ भाई साहब क्या लुकिंग लग रही है। भाई जो अभी हमारा डिसीज़न हुआ है वो हुआ है एक बेहतरीन सी ब्यूटी के लिए, लेकिन अभी देख रहे हैं हम कि क्या चीज़ कैसे होगी एंड सारी चीज़ों की बुकिंग वगैरह जो भी है वो देखते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन हाँ ये फाइनल हो चुका है कि 1 से 2 तारीख के बीच में अपने पास एक बाइक आ जाएगी, बेहतरीन सी बाइक आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ डिसीज़न हो रही है। और ये कलर कैसा लग रहा है एक बार ये वाला और कलर बताना भाई, कलर अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कलर दिया जाए तो कौन सा लिया जाए, कलर में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा सही बड़ी है, तो कलर ये सारे कलर हैं, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन इन कलरों के प्राइस में भी अंतर है भाई साहब। चलो देखते हैं क्या चीज़ कब होगी और कैसे होगी, वो सारी चीज़ें आपको भी दिखाएंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी एक बाइक की डिलीवरी आ रही है, अभी फाइनली हो चुकी है, ये मान लो बस फाइनल हो चुकी है, डिलीवरी आनी बाकी है। ये मेरा आ गया, कैमरा आ गया, तो आ रहा है पूरा, तो देख लो भाई ये वाला कलर फाइनल कर रखा है एंड क्या कह रहा है, लेकर निकल जाऊं, निकल जा भाई, गायब हो जा, वो दिख रहा है सही लग रहा है, स्टार्ट करके देखें, स्टार्ट करो, अरे देख कार्ड से मिला था ना पासबुक वगैरह की जरूरत, इसमें स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी ना, खाली पेमेंट इसका लाइट का लुक नहीं बैठा, मतलब बैठा नहीं चलाई है, सही बात है, प्राइस ऊपर है यार, इस बाइक पे बैठ गए ना, मतलब स्पोर्ट वाले खिला रहे हैं तो लग रहा है कि लेके वापस, और इसमें ना बिल्कुल
मतलब अलग ही लुक आ रहा है इसका, और यहाँ पर 360 लग जाएगा ना तो अलग ही फील आएगा इसका भाई। समझाउन तो गाइज यहाँ पे देख लो, भाई चेक कर रहा है कि भाई के पैर कितने आ रहे हैं, एक साइड आ रहे हैं एक साइड ना आ रहे, क्योंकि भाई देखो एक साइड में होकर बैठा हुआ है ना। अभी चेक हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ बाइक फाइनल है। और मैं अभी देखना एक चीज़ और बताऊंगा, तो अभी हमारी दूसरी बाइक फाइनल हो चुकी है। कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी? यामा देख लो, यामा पे बहुत जल्दी आने वाले डिलीवरी लेने, है ना? सही बात है। ओए आवाज नीचे। तो फाइनली दोस्तों अपना मूविंग टाइम आ चुका है, और ये भाई अब आएगा हमारी बाइक पर बैठ, और अरुण वोरा, अरुण निकल रहा है अपने काम से, और मैं भाई को करूँगा बस अड्डे ड्रॉप एंड फिर जाऊँगा बहन के घर। ठीक है अरुण, ये देख लो भाई निकल गए शोरूम से, चलो फटाफट से चलते हैं एंड भाई को ड्रॉप करते पहले, फिर उसके बाद में खुद ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि काम है हमें भी कुछ बहन के घर से, अपना एक कोरियर आया हुआ है वो लेना है अपने को, तो उस कोरियर को लेंगे और निकल जाएंगे। और देखो भाई सब चल दिए, सारे जने चल दिए, मस्ती मारते हुए जाते हैं हम। अब बाइक तो फाइनल हो गई है, लेकिन भाई एक इशू लग रहा है मुझे बस बाइक में, जो कि मुझे अभी टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई है बाइक की, क्योंकि हमने इसकी भी टेस्ट ड्राइव वैसे तो नहीं ली थी, जब हमने ये ली थी तो टेस्ट ड्राइव तो हमें मिली नहीं थी, लेकिन इस बार हमारा ये है कि हम टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, क्योंकि ये 400 cc है वो 155 cc है, तो थोड़ा सा तो अंतर है। हाँ तो चलो निकलते हैं फटाफट से पल्ली साइड रोड पे, यूटर्न लेते हैं और पहुँचते हैं पुराने बस अड्डे। तो यहाँ भाई को बाय बाय बोल लेगी अब टाइम। ओए तो चलो भाई साहब निकल गए हम दूसरे रास्ते को, अगर उस रास्ते को जाते तो सामने पुलिस वाले मिलते, और भाई पे पीछे हेलमेट नहीं है फिलहाल में, तो इसलिए हम इधर को निकल गए। हमने कहा क्यों हम उधर को जाएंगे, और वैसे भी हमें जाना है बस अड्डे, तो शॉर्ट पड़ता है ये वाला रास्ता। हाँ बेटा बस चलो जी चलो भाई निकलने का टाइम, पहुँचो टाइम से घर, हम भी पहुँचते हैं। ठीक है डिलीवरी वाले टाइम दिन टाइम से आ जाना। अरे वो दिन तो मैं जाऊँगा नहीं। अच्छा ठीक है बेटा बस, अब तो ऐसे ही ले जा ऐसे ही है, चला जा इसके साथ, बाय बाय। चलो जी भाई को छोड़ दिया, निकल गए, और भाई को सारी चीज़ बोल भी दिया डिलीवरी वाले दिन टाइम से आ जाना। फिलहाल में जय माता दी जय माता दी जय माता दी। फिलहाल में जा रहे हैं बहन के घर, और अपना पार्सल लेंगे और निकल जाएंगे। भैया 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 हमें भी देख लो नेक थोड़ा सा। अरे नहीं भाई लहरें क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो? गाड़ी वाले भैया मंदिर चलोगे? भाई पहले करते थे ना रिक्शे वाले भैया मंदिर चलोगे, कितने पैसे लोगे? 50, 60, 70, 80, 90, 100। भाई सही रहा हम इधर से नहीं आए, याद तो नहीं था, लेकिन हाँ एकदम ऐसा हुआ है कि मैं इधर से अपने दोस्त को बस अड्डे छोड़ता हुआ इधर को आ गया, वरना तो जाम में पड़ा होता, बहुत तगड़े वाले जाम में पड़ा होता। और जाम में पड़कर आपको बताइए भाई बहुत बुरी हालत होती, पर चलो कोई बात नहीं, जाम से फिलहाल में तो बच गए, लेकिन जाना हमें है। और गाड़ी वाले भैया कैसे चल रहे हैं ये हमारे दोनों ही, और पार्क के हमें जाना है उस तरफ, उस तरफ जाते के साथ ही हम पहुंच जाएंगे चचना के घर, चचना के घर। ऐसे होता है भाई सिस्टम, ऐसा बोलते हैं। चलो जी ये देखो हमारा कोरियर कहाँ है, कोरियर
कुरियर में आप लोग भी ये सोच रहोगे कि हमने रचना के घर का एड्रेस क्यों दिया है, आपकी बार बस दे दिया है किसी वजह से, मंगाया इस नहीं है, और हमारे बालों के रिकॉर्डिंग आया है वो। लो जी, हमारा पार्सल आ चुका है। इस पार्सल में बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ ये आई थी हमारे मामा के घर, है मामा, सही बात है ना। और फिलहाल में निकलने का टाइम, फटाफट से निकलते हैं। शाम ने देखो क्या बढ़िया ब्यूटी सी घड़ी है हमारी, देख रही है शोकर कितने जानदार लग रहे हैं अब। शोकर भी, इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर जलते हुए, हाँ किधर से खुला है, इसकी पैकिंग खोल दी है भाई साहब इन्होंने, पता है मेरे सामान को चेक कर दिया इन्होंने। और मैं अपना सामान यहाँ लगा लेता हूँ फिलहाल में, वैसे गिरना नहीं चाहिए, सेफ है, चलो चला जाएगा धीरे धीरे। और अब दिखाते हैं इसको अपनी बाइक के जरा इंडिकेटर एक बार जलते हुए। अब सही है, नंबर प्लेट देख कहाँ गई, सही लग रहे ना, स्लिप हो गई भाई कितनी देर में यहाँ पे, बाय। हाँ बाय बाय, चलो जी निकल गए और बन गए होंगे, क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ से ना चिल्ली पटेटो ऑर्डर किए थे अभी, तो शायद वो तैयार हो गए होंगे, जिया जी ने फ़ोन करके बोल दिया था, तो अब थाता हुआ ले जाऊँगा और ले जाके घर जाकर खाएंगे हम चिल्ली पटेटो। फाइनली भाई हम अपने पोलोथिन यानी कि वो लेकर निकल चुके हैं, चिल्ली पटेटो लेकर निकल चुके हैं घर के लिए फटाफट से। अब घर जाके मारेंगे चिल्ली पटेटो पे मोर्चा, बहुत तगड़ी से बहुत तगड़ा सा मन कर रहा था चिल्ली पटेटो खाने का, तो ऑर्डर हमने घर से बैठे बैठे कर दिए, आए उठाए और चल दिए। फ़ायदा होता है घर से ऑर्डर करने का, वैसे तो देखा इतना फ़ायदा मिल जाता है कि जल्दी आओ जल्दी जाओ। और कोरियर हमने अपना देख लो कहाँ रख रखा भाई, सामने, ठीक है ना, ये सामने कोरियर रखा है, और इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं एंड अच्छे निकले, तो आपको वैसे बद दिखा दूंगा मैं अगर अच्छे हैं या कैसे हैं। भाई बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, उसके रिलेटिव मंगाए हैं ये कुछ प्रोडक्ट, और अगर सही चीज़ लगी तो बता दी जाएगी, नहीं लगी तो नहीं बताई जाएगी। वैसे जो है तेल वगैरह ये सारी चीज़ करी तो हैं अरेंजमेंट। ये बस भी खाटू श्याम जी जा रही है क्या भाई, मेरा खाटू श्याम जी जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि कैसे जाऊँ मैं, रोज़ मैं सोचता हूँ, रोज़ डेली सोचता हूँ मैं उस चीज़ के लिए, पता नहीं खाटू बाबा बुलाना नहीं चाहते या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ों को, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरे सारे काम हो जाएँ और मैं चला जाऊँ बस। अब तो मुझे यही है कि जल्दी से जल्दी मेरे सारे काम हो और मैं फटाफट यहाँ से निकल जाऊँ खाटू बाबा के दर्शन करने। तो भाई हमने अभी पल्ली तरफ से देखा, भाई ये वही बस है जो जिसमें एक बार मैं गया था ना अभी कुछ टाइम पहले खाटू श्याम जी, देखो आज वही बस फिर से खाटू श्याम जी जाने के लिए रेडी खड़ी है यहाँ पे, ये खाटू श्याम जी जा रही है फिर से, तो वाह, तो खाटू श्याम जी जाने की तैयारी, वाकई खाटू श्याम जी जाने की तैयारी, हमेशा यहीं से तैयार खड़ी होती है बस जब इसे खाटू श्याम जी जाना होता है। लेकिन भाई हम नहीं जा रहे इस बस में, सबसे बड़ी बात तो ये है, वरना हमें भी जाना चाहिए था। हम पहुंच गए हमारे घर, हाय 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 भाई, हेलमेट लगाओ चाहे कैसे भी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगती है, बहुत ज़बरदस्त पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे हमें, लेकिन फ़िलहाल में करते हैं बाइक को यहाँ खड़ा, और सौदा है ना फटाफट से सौदा खाते हैं। चलो जी ऊपर चलते हैं फटाफट फटाफट, खुलवाते हैं, इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझे इसे खोलने का, मन तो कर रहा है ऐसे ही मुँह लगा लूँ और देखो क्या। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं हमने क्या मंगाया है अपने पैकेज में, क्या मंगाया है बता, नहीं पता, नहीं पता, बारी बारी से लग रहा है, बारी बारी से लग रहा है ना। फोन दे दे फोन,
पेन दिनी सी फोन लेके चल दे वै अब अब बताओ बताओ मैं तुझे बताऊं अब इसमें है बहुत अच्छा अच्छा कहाँ से सील खुली हुई थी भाई इसकी थोड़ी सी उसने खोल रखी थी ये रहा ये खुला हुआ देख रहे हो खुला हुआ पैकेज मिल रहा है खुला हुआ पैकेज हाँ। अब देखो इसमें से कुछ चीज़ निकलने वाली है हमारे हेयर से रिलेटिव ये देख रहे हो अभी देखो ये है सर में तेल डालने के लिए कंघी इससे इस तरीके से डाले करेंगे और भाई ये है इंडो का हेयर ऑयल ऑनियन हेयर ऑयल ठीक है इंडो का मंगाया है एंड ये है इंडो का कंडीशनर और ये है इंडो का शैम्पू तो ये तीनों चीज़ हमने मंगा ली हैं शैम्पू है कंडीशनर है और तेल है अब इससे हमारे बाल टूटने देखते हैं कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है लेकिन हमने आज ये सारी चीज़ परचेज कर लिया काम रुक जा तेरे काम के बच्चों का काम का नहीं होता बावड़े बबल ये आ गई तीनों चीज़ें ऑनियन के तीनों चीज़ें तो ये तीन चीज़ हमने मंगाई हैं और तेल शैम्पू कंडीशनर कॉम्बो ठीक है ये कॉम्बो आ चुका है अपना अब इसे यूज़ करेंगे देखेंगे बालों में फ़ायदा दे दे तो ज़्यादा बेटर है नहीं देगा तो फिर ज़्यादा बेटर है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये कितने के पड़े पहले यूज़ कर लें अगर अच्छे प्रोडक्ट होंगे और सही होंगे तो आपको सारी चीज़ बता देंगे और देखो कार्ड वगैरह भी कुछ आए हैं इसमें इनका कार्ड भी आया कुछ 50% पेटीएम कैशबैक का भाई क्या बात है ये 50% है ओ 50 रुपीज़ पेटीएम कैशबैक का आया भाई ये देख लो 50 रुपीज़ कैशबैक अब मिल सकता है देखेंगे इसको यूज़ कर अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना कमेंट करना रिजल्ट बताएंगे इन सारे को ख़त्म करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो बाय बाय गुड नाइट टू यू सभी भाइयों को राम राम।